जयपुर के आमेर में रिश्तों का खून हुआ है। एक मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया है। लकवाग्रस्त बेटे की क्लेम राशि के लिए देवर के साथ मिलकर जान ले ली। हत्या का दुर्घटना का रूप देने के लिए सड़क पर छोड़ दिया शव। कुकस में बीती रात घटना को अंजाम दिया गया। अब पुलिस कर रही है मां और अन्य से पूछताछ। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है जयपुर के आमेर से, जहां पर रिश्तों का खून हुआ है। एक मां ने अपने बेटे की ही हत्या कर दी, अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल लकवाग्रस्त बेटे की क्लेम राशि के लिए देवर के साथ मिलकर एक मां ने अपने ही बच्चे की जान ले ली। हत्या का दुर्घटना का रूप देने के लिए सड़क पर शव को छोड़ दिया गया, जिससे ये लगे पुलिस को कि किसी ने हत्या की है। कुकस में बीती रात इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मां और अन्य से पूछताछ की जा रही है। के लिए सड़क पर शव को छोड़ दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आरोपी मां और अन्य से पूछताछ कर रही है। और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है। उदयपुर वाटी बस स्टैंड पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। व्यापारी हीरालाल की दुकान पर फायरिंग की गई है। 3 से 4 राउंड फायरिंग होने की सूचना मिल रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। ये बड़ी खबर उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी बस स्टैंड पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मचा हुआ है वहां पर। दरअसल व्यापारी हीरालाल की दुकान पर फायरिंग की गई है। 3 से 4 राउंड फायरिंग होने की सूचना मिल रही है। ये भी जानकारी है कि बाइक सवार 3 बदमाश आते हैं और फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, व्यापारी हीरालाल की दुकान पर फायरिंग की गई है। अब इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, अब इसकी जानकारी नहीं पता चल पाई है, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।